सभी को नमस्कार। आज सुबह से ही लगातार हम सोशल मीडिया नैरेटिव इन सारे विषयों पर यहाँ पर चिंतन मंथन ये कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग पहलू, इस पर भी बात हुई, नैरेटिव के बारे में भी हमने विचार किया। और बंगाल की वर्तमान परिस्थिति, इस पर भी कुछ बातें हमारे सामने आई। वो परिस्थितियां तो हैं सामने, उसको हम नकार नहीं सकते, उसको नजरअंदाज भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उसमें निराश होने की या घबराने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसी बंगाल में हमने रामनवमी के ऊपर पूरे हिंदू समाज को हजारों की संख्या में भगवा ध्वज लेकर के, भगवा पट्टियां पहन करके सड़कों पर देखा है। उसमें हमारा सिलीगुड़ी भी है और पूरे बंगाल का, पश्चिम बंगाल का, अनेक ऐसे छोटे छोटे शहर भी हैं। हमने उसी बंगाल के अंदर 22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या में भगवान श्री राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो जैसे कार्यक्रम उत्साह के साथ पूरे देश भर के अंदर हिंदू समाज ने मनाया उस सारे उत्सव को, वैसा ही मेरी जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल में भी उसी उत्साह के साथ ये पश्चिम बंगाल के अंदर भी बना। तो आज समाज के खड़ा हो रहे हैं, और हिंदू समाज तो कभी भी निरुत्साहित नहीं हुआ किसी भी परिस्थिति के अंदर। 1000 वर्षों का जो हमारा संघर्ष है, वो कोई कम संघर्ष नहीं है। कोई भी समाज इतनी लंबी लड़ाई नहीं लड़ा है, पर केवल लड़ाई का विषय नहीं है, तो इतना लड़ने के बाद भी उस समाज ने अपने को जीवित रखा है और आगे बढ़ा है। ये भारतीय समाज की विशेषता है। हम सुनते हैं यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये ऐसे ही नहीं है, ये सब देश आज दुनिया के नक्शे में भौगोलिक दृष्टि से है। थोड़ा बहुत भूगोल इधर उधर हुआ होगा, लेकिन वहां की संस्कृति, वहां की परंपराएं, वहां की सभ्यता, ये सब समाप्त हो। लेकिन हिंदू समाज ने 1000 वर्षों तक जो आघात झेले, उसके बाद भी हम आज दुनिया में सर ऊंचा करके खड़े हैं। यही हमारी विशेषता। किसी समय लगा होगा कि अब तो समाप्त होने वाले हैं, लेकिन उस सारी परिस्थिति में भी समाज ने अपने को समेट करके रखा। ठीक है, अभी परिस्थिति अच्छी नहीं है, तो हम कैसे अपनी संस्कृति, अपने विचार, अपने मूल्य, उनको कैसे बचा सकते हैं, उसमें ताकत लगाई, थोड़ा पीछे हटते हुए दिखे नहीं, लेकिन वो निराश नहीं हुए। इसलिए अपने को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इस परिस्थिति में से कैसे निकालना समाज को, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सोशल मीडिया की चर्चा कर रहे हैं, तो आज प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी रूप में आज सोशल मीडिया के साथ जुटा हुआ है, जुड़ा हुआ है। हम अपने आप को उससे अलग नहीं कर सकते, ऐसी परिस्थिति आ गई है। बहुत सारे माध्यमों में नहीं होंगे, तो कम से कम व्हाट्सएप पर तो है ही है, और ये ऐसा माध्यम है जिनकी हमने चर्चा की कि अनेक प्रकार से भ्रम निर्माण करने का,
काम ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से चलता है, झूठ के माध्यम से नए नए नैरेटिव गढ़ने का प्रयास चलता है। इसलिए हम जो सोशल मीडिया में सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, या उस माध्यम का अच्छा उपयोग करके समाज तक अपनी बात पहुंचाते हैं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उस सोशल मीडिया को ठीक प्रकार से पहले समझें वो है क्या। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, नए विषय आते हैं, पूरी आएगी, ये आविष्कार का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो उससे घबराने के बजाय उसका हमने कैसे उपयोग करना है ये मुख्य बात है, ये सोचना चाहिए। बाकी जो दुनिया है उसका क्या दुरुपयोग करती है वो उनका विचार है, उनका काम है, लेकिन हमने पॉजिटिव बातों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करना इसके बारे में हमने विचार किया, तो फिर हम अपने विषयों को ठीक प्रकार से जो हम चाहते हैं समाज में, जो एक राष्ट्रीय विचार को समाज तक लेकर के जाना, क्योंकि सोशल मीडिया की एक अपनी ताकत है। हम सबने सोशल मीडिया की ताकत को अनुभव किया ही होगा। जिन विषयों को, जिन खबरों को मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहते हैं, अखबार टीवी चैनल्स छुपाने का प्रयास करती थी या दबाव में आकर के उन खबरों को सामने नहीं लाती, उन घटनाओं को समाज के सामने नहीं लाती हैं, तो लेकिन सोशल मीडिया के दबाव के कारण से उनको भी लाना पड़ता है। ये सोशल मीडिया की ताकत है। हमने देखा होगा बंगाल के अंदर ही जब पोस्ट इलेक्शन जो घटनाएं हुई, तो मेन स्ट्रीम मीडिया उसको उठाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि दबाव था, भले ही राज्य सरकार का दबाव होगा कि और प्रकार का दबाव होगा, लेकिन बंगाल का मीडिया और नेशनल मीडिया जिसको हम कहते हैं जो दिल्ली नोएडा से चलता है, वो भी उन घटनाओं को, उन अत्याचारों को नहीं दिखा रहा था। हमने भी बातचीत की कि भी आना चाहिए, हमने कई उदाहरण दिए, कई फैक्ट्स उनको ला करके दिए, वीडियो दिए, फोटो दिए, उसके बाद भी चलाने को तैयार, लेकिन जब सोशल मीडिया के माध्यम से इन बातों को सामने लाया गया तो फिर अंततः उनको भी मजबूरी में उस खबरों को लेना ही पड़ा। कितना बचेंगे, क्योंकि मीडिया की भी आलोचना करता है समाज कि भी सोशल मीडिया में इतना आ रहा है तो आप क्यों नहीं दिखा रहे उसको। तो ये जो सोशल मीडिया की जो ताकत है इसको हमने पहले समझना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा माध्यम है जो हम सबके हाथ में, आज समाज के हाथ में, प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में, और इसके माध्यम से हम अपनी बात समाज तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया का उपयोग ये विनाश के लिए नहीं होना चाहिए। जो अच्छी बातें हैं, जो देश हित में है, जो समाज के हित में है, वही बातें सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा प्रसारित होनी चाहिए, उसी का हमारा प्रयास होना चाहिए। कम से कम यहां पर हम जितने लोग बैठे हैं, अगर हमने एक संकल्प कर लिया कि हम एक तो झूठ नहीं चलाएंगे, फेक न्यूज नहीं चलाएंगे, और जो समाज के अहित में है उसको नहीं चलाएंगे, तो एक बड़ा परिवर्तन धीरे धीरे पूरे देश भर के अंदर आ सकता है। छोटे से प्रयास करने की आवश्यकता होती है, प्रयास तो कहीं भी शुरू होता है तो छोटा ही होता है, धीरे धीरे वो बड़ा बनता है। सब लोग अगर ऐसा सोचने लग जाए कि भाई मेरे प्रयास करने से क्या होगा, तो कभी भी परिवर्तन नहीं आ सकता, कभी बदलाव नहीं आ सकता। हाँ, मैं प्रारंभ करूंगा तो धीरे धीरे बाकी लोग भी उसको करेंगे। जो हमें आज ये कहते हैं कि सोशल मीडिया का एक प्रभाव क्या है, तो एक तो हम सोशल मीडिया हमें अपनी अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता की हम बात करते हैं, जो भारतीय संविधान के अंदर भी हमें अधिकार मिला हुआ है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, हम अपनी बात कह सकते हैं। जो मीडिया के माध्यम से हम समाज तक नहीं पहुंचा पाते, तो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा हम अपना विचार, हम अपने मन की बात ये समाज तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी कहीं ना कहीं तो रोक है।
कहीं ना कहीं वो भी हमें ये इंगित करती है कि जहां हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वहां पर दूसरे के भी कुछ अधिकार है, उनका भी ध्यान रखना। जो मैंने कहा कि जिस विषय से जिस विचार से समाज का अहित होता है राष्ट्र का अहित होता है उस काम को अपने को नहीं करना है। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ सोशल मीडिया का उपयोग करना, फिर उसमें चाहे शब्दों के प्रयोग हो चाहे भाषा का प्रयोग हो, यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे एक शब्द से जो है वो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इस शब्द का प्रयोग करते हैं, एक झूठ अगर हमने चलाया तो समाज के अंदर बहुत बड़ा एक विद्रोह भी खड़ा हो सकता है और दंगे भी हो सकते हैं। तो समाज में अराजकता निर्माण करना ये हमारा उद्देश्य नहीं और सोशल मीडिया का ये उद्देश्य होना भी नहीं चाहिए कभी। तो इन बातों को भी ध्यान में रख करके, और दूसरी बात होती है कि सोशल मीडिया में जो प्रदीप जी ने भी कहा कि भी कुछ विचार करके आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है, हर समय अपने को अभी इसका उत्तर देना है हर बात का ऐसा जरूरी नहीं होता है, कुछ रणनीति भी होनी चाहिए किस बात का उत्तर कब देना और कब डिफेंड करना और कब आक्रमण करना, इसकी समझदारी चाहिए। अगर अभी चुप रहने से भला है तो अभी चुप रहना चाहिए, जब लगता है कि विरोधी पर वार करना है और उसकी शक्ति कमजोर है तब हम अपना आक्रमण करें, परिस्थितियां देख करके होना चाहिए। इतनी समझदारी सोशल मीडिया उपयोग करने वालों के होनी चाहिए। हमने देखा है छत्रपति शिवाजी महाराज का हमारे सामने उदाहरण है, जब अफजल खान की सेना से पूरा घिर गए, पता था कि इस समय अफजल खान की जितनी बड़ी सेना है हम उनका मुकाबला सीधा सीधा नहीं कर सकते हैं, तो क्या प्रदर्शन किया, तो एक मैसेज भिजवाया एक संदेश भिजवाया कि शिवाजी तो इस समय बहुत डरे हुए हैं, इसलिए समझौता करना चाहते हैं। तो अफजल खान को भी लगा कि अच्छा शिवाजी तो मेरे से डर गए और वार्ता का ऑफर दिया, संधि का ऑफर दिया, तो शर्तें तय होंगी हम दोनों रहेंगे और दोनों के एक एक अंगरक्षक रहेंगे, क्योंकि उनकी सेना तो पूरा रिलैक्स हो गई थी, अब तो शिवाजी आत्मसमर्पण करने वाले थे। लेकिन परिणाम क्या हुआ, शिवाजी ने मौका देख करके अफजल खान का हत्या कर दी। तो जिसको रणनीति कहते हैं, स्ट्रेटेजी कहते हैं, कब क्या व्यवहार करना, इसकी समझदारी ये सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले सब लोगों की होनी चाहिए, और जब आवश्यकता है तब बोलना, ये इंपॉर्टेंट है। ये बात कभी भी कुछ भी बोल रहे हैं कुछ भी लिख रहे हैं इसकी आवश्यकता नहीं, और दूसरा फेक न्यूज से हमेशा बचना, क्योंकि हम समाज के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, हम झूठ नहीं चलाएंगे गलत नहीं चलाएंगे, जो सत्य है उसको चलाएंगे, लेकिन उस सत्य को भी प्रस्तुत करने का जो तरीका है ढंग है वो हमारा अपना होगा, समय हम निश्चित करेंगे कि कब ये बात अभी कहनी चाहिए। तो इसका ध्यान में रख करके हम सोशल मीडिया का उपयोग करें, ऐसा आप सबसे एक निवेदन है। आज हम देखते हैं कि समाज को तोड़ने वाली बहुत सारी ताकतें काम कर रही हैं और वो हर मौके का इंतजार कर रही होती है कि कब अवसर आए, कोई ऐसी घटना घटे जब हिंदुत्ववादी शक्तियों पर आक्रमण हो, उनको पर आघात करें, और ऐसे समय में वो झूठ अर्ध सत्य तोड़ मरोड़ करके घटनाओं को प्रस्तुत करना ताकि समाज के अंदर देश के अंदर अस्थिरता निर्माण हो और संघर्ष खड़ा हो, इसके वो मौके ढूंढते रहे। कोई भी अवसर आएगा समाज के अंदर कैसे भ्रम निर्माण करना, ये हमने गत 4-5 वर्षों में अच्छी तरह से देखा है।
सीए का कानून आया तो हम सब जानते हैं कितने प्रकार के झूठ और भ्रम फैलाए गए। सबसे बड़ा झूठ तो यही था कि मुस्लिम जो भारत में रहते हैं उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी इस कानून से, जबकि वो किसी को नागरिकता देने के लिए कानून है, किसी की नागरिकता छीनने के लिए कानून ही नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ा भ्रम झूठ फैलाने के कारण से और बड़ा एक एजिटेशन, एक संघर्ष खड़ा करने का प्रयास है। अभी हमने देखा कि कैसे एक एक घटना के ऊपर जो नैरेटिव की हमने बात की, तो कैसे झूठा नैरेटिव ये खड़ा किया जाता है। तो मेवात में लास्ट ईयर यानी पिछले वर्ष ही बड़े दंगे हुए थे और सावन के महीने में वो सारी यात्रा चलती है, तो उनकी पहले से तैयारी थी कि किस प्रकार से पूरे उस यात्रा को आघात करना है, उसको डिस्टर्ब करना है। जैसे ही वो घटना घटी शाम तक क्या नैरेटिव चला, दो तीन बातें स्थापित करने का उन्होंने प्रयास किया। पहला ये था कि विश्व हिंदू परिषद के द्वारा निकाली गई यात्रा पर हमला हुआ है, जबकि वो विश्व हिंदू परिषद द्वारा निकाली गई यात्रा नहीं थी, वो संपूर्ण हिंदू समाज का एक कार्यक्रम था। हर वर्ष हिंदू समाज सावन के महीने में वहां पर जो शिव जी का मंदिर है वहां पर हर सोमवार को यात्रा करने के लिए जाते हैं, बड़ी संख्या में जाते हैं। लेकिन एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की ताकि ये संगठन पर वो फोकस हो जाए कि ये तुम्हारे से विश्व हिंदू परिषद वाले ऐसे ही करते हैं, ये झगड़े ही करते हैं। दूसरा, इन संगठनों के द्वारा मुस्लिम समाज को उकसाया गया, इस कारण से ये झगड़ा हुआ है। और जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया कि ये व्यक्ति, इसने ऐसा एक बयान दिया मोनू मानेसर नाम के, तो वो इस यात्रा में आ रहा है इसलिए मुसलमान समाज जो है आक्रोशित था, जबकि उस यात्रा में शामिल नहीं था, उसने आया नहीं। तो जब हमारे को ध्यान में आया तो हमने शाम तक थोड़ा प्रयास किया कि ये सारे पिछले 5-7-10 दिनों का जरा सारा सोशल मीडिया खंगालो, तो बहुत सारे ऐसे स्क्रीनशॉट आ गए ध्यान में जिसमें वहां यानी मुस्लिम हैंडल से, मुस्लिम नामों से ये सारे प्रयास 1 हफ्ते से 10 दिन से चल रहे थे। डेट के साथ इस दिन इस स्थान पर ये मुस्लिम इकट्ठे होंगे, ये सारी बातें सोशल मीडिया में या उनके जो व्हाट्सएप की चैटिंग थी उसके द्वारा ये सब बातें बाहर आ गई। जैसे ही हमारे पास आए तो हमने शाम को ये चलाना शुरू किया, मीडिया को दिया, अगले दिन को सारा नैरेटिव चेंज हुआ। अन्यथा तो केवल हिंदू समाज के ऊपर ही को सारा उसके अगेंस्ट जो है पूरा नैरेटिव जो है वो खड़ा हो रहा था। तो ऐसी घटनाओं का लाभ लेकर के कैसे झूठ फैलाना और कैसे झूठे फेक नैरेटिव जो है वो खड़े करना, इसके भी प्रयास होते हैं, तो इसको भी समझने की हमें आवश्यकता है। उस समय हमें सक्रिय रहना और समझदारी के साथ अलर्ट रह करके इसको करने की जरूरत है। तो ऐसी ये जो ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेज है उसको कैसे एक्सपोज करना, ये हमारी जिम्मेदारी। उसको एक्सपोज करना और उनके प्रति जागरूकता निर्माण करना समाज, तभी हम एक सच्चे सोशल मीडिया वॉरियर हो सकते हैं जो समाज हित में सोचते हैं, राष्ट्र हित में सोचते हैं, उसके लिए काम करते हैं। और उनका जो इकोसिस्टम है उसको समझना और उसको भी उजागर करना। अब वो इकोसिस्टम क्या है, हमने वो किसान आंदोलन के अंदर भी देखा है, सीए के समय भी देखा, कोई भी घटना कोई भी इस प्रकार का प्रसंग आता है तो पूरा इकोसिस्टम उनका काम। वो इकोसिस्टम क्या है, तो सोशल मीडिया भी एक उस इकोसिस्टम में है, प्रिंट मीडिया भी है, चैनल्स भी है, और जो ऐसे इंटेलेक्चुअल जो अपने को मानते हैं, जो कहते हैं, जो बोलने वाले लोग हैं, वो भी उनके उस इकोसिस्टम का हिस्सा है और उसके लिए सारे टूल किट चलते हैं। तो इसको समझना और उस इकोसिस्टम को उजागर करना ये भी एक महत्वपूर्ण काम है। पिछले सत्र में समीर जी ने थोड़ा विषय रखा है कि हम किन किन विषयों पर साथ मिलकर के काम कर सकते हैं, इसलिए मैंने पहले हिस्से में उस सारी चीजों को समझना, हम कैसे कर सकते हैं, क्यों करना, इसके बारे में बताया। लेकिन अभी
किन विषयों पर हम मिलकर के काम कर सकते हैं। तो पहला विमर्श का कैलेंडर की बात है। ये तो वर्ष वर्ग कुछ ऐसे विषय चलते हैं समाज के विषय में, हमारे विषय नहीं। उस समय जिनका जिस विषय में एक्सपर्टाइज है उनको उस विषय को लेना, उसमें सहयोग करना, एक दूसरे के साथ मिलकर के चर्चा करके हम आगे बढ़ सकते हैं। विश्व समाज केंद्र की ओर से जो कैलेंडर आएगा वो तो है ही, इसके अलावा और 10 विषय हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी तो तात्कालिक घटना होती है, वो भी नरेटिव सेट करती है, क्योंकि नरेटिव ऐसा विषय नहीं है कि साल में एक बार एक दिन कुछ काम किया और नरेटिव बन गया, ऐसा नहीं होता है। नरेटिव अगर बनाना है तो वर्षों उसके लिए एक विषय पर काम करना पड़ता है और फैक्ट्स के आधार पर होना चाहिए। सही नैरेटिव क्या है वो समाज के सामने जाना चाहिए, उस पर प्रयास होना चाहिए। तो उसके लिए भले हम इन्फो पे तैयार करें, बाकी चीजें तैयार करें, उसके लिए वीडियो बनाने वाले वीडियो बनाए, उस पर लेख लिखने वाले लेख लिखे, तब वो नैरेटिव बनेगा और उसके लिए लगातार प्रयास करने की आवश्यकता रहती है। तो उस कैलेंडर के ऊपर मिल करके काम करने की आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता है जो किसी ने प्रश्न में पूछा था कि किन मुद्दों पर काम करना चाहिए, हमारे नैरेटिव किन किन बातों पर स्थापित होना चाहिए, तो उसमें हिंदुत्व की सही छवि ये समाज के सामने रखना, क्योंकि उसके बारे में अनेक प्रकार के भ्रम जो है वो निर्माण हुए। तो हिंदुत्व जो है वो केवल एक पूजा पद्धति नहीं है, यह जीवन का विचार है। ये दुनिया को सृष्टि को देखने की एक दृष्टि है, इसलिए हमने कहा एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, विद्वानों ने उसको अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। इसलिए हम सब में एक आत्मा देखते हैं, चाहे वो प्रकृति है, पशु पक्षी है, चाहे मनुष्य है, सब में एक ही आत्मा बस करती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये हमारा विचार है, ये कल्पना हमारी है, ये हिंदुत्व है। ये कोई जीवन की केवल एक पूजा पद्धति नहीं है। हम दुनिया को किस भाव से देखते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी पृथ्वी क्या है, हमारा परिवार है, केवल उसमें मनुष्य नहीं है, तो सब जीव जंतु प्राणी सब आते हैं उसके अंदर। तो ये हिंदुत्व की परिभाषा है, हिंदुत्व को सही परिप्रेक्ष्य में सही शब्दों के अंदर ये समाज समझे, इसको लाने की आवश्यकता है। दूसरी बात है कि सकारात्मक विषय जो पॉजिटिव, बहुत सारे काम समाज के अंदर हो रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, जो समाज को सपोर्ट करने के लिए, समाज को स्वावलंबी बनाने के लिए सेवा के काम है, पर्यावरण की दृष्टि से काम हो रहे हैं, गौ सेवा की बात है, गौ सेवा के अंदर काम हो रहे हैं। आज आप देखते हैं कि जिन लोगों को पद्म श्री पद्म विभूषण मिल रहे हैं, किस प्रकार के लोग हैं, जो कभी दुनिया जानती नहीं थी उनको। तमिलनाडु की एक महिला पूरा जीवन पिछले 35-40 वर्षों से वृक्षारोपण पर ही पूरा जीवन लगा दिया, कुछ नहीं है अपन ने, एक पैसा भी नहीं, छोटी सी झोपड़ी में रहती है। अब उसने अनपढ़ है, कहां से सीखा होगा कि पर्यावरण, पेड़ लगाएंगे तो पर्यावरण बचेगा, लेकिन जीवन का एक मिशन बना लिया, लाखों पेड़ लगा दिए उसने, अब कहां से ढूंढ कर लाए, उसको अभी पद्म विभूषण मिला है, पद्म श्री मिला है। ऐसे अनेक विषयों पर समाज में बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं जो पॉजिटिव है, जिससे समाज का उत्साह भी बढ़ता है, करने की दिशा भी उनको मिलती है, प्रेरणा मिलती है विषयों से। तो ऐसे सकारात्मक जो भी विषय हैं उनको समाज के सामने लाना, जो पॉजिटिव काम है वो सेवा की दृष्टि से है, स्वच्छता की दृष्टि से है, पर्यावरण के लिए है, शिक्षा क्षेत्र में ऐसे काम हो रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रकल्प चल रहे हैं जो समाज के सामने लाने की आवश्यकता है, और सोशल मीडिया उसका एक अच्छा माध्यम हो सकता है। अभी हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, जिसमें हमने भारतीय स्वाधीनता के संघर्ष को याद किया, तो हमारे ध्यान में आया कि वो भारतीय स्वाधीनता का जो संघर्ष था वो क्या था, वो कोई सत्ता के लिए लड़ाई थी, कुछ मुट्ठी भर लोग उस लड़ाई को लड़ रहे थे क्या, और मुट्ठी भर लोग लड़ते तो अंग्रेज छोड़ करके चले जाते क्या भारत,
वो जो संघर्ष था वो कितना व्यापक था वो हम सब भी विषय से ध्यान में आता है। यदि समाज का हर वर्ग किसी भी जाति बिरादरी भाषा राज्य किसी का भी हो, ये सब मिलकर के लड़ेंगे। पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, महिला है, पुरुष है, बच्चे है, सबके बलिदान हुए उस संघर्ष के लिए। तो पूरा समाज, ये समाज जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष कर रहा। जैसा सर्वंकष आक्रमण था वैसे ही उसका प्रतिकार भी था। हमने अपनी भाषा के लिए भी लड़े, हम अपनी परंपरा संस्कृति के लिए भी लड़े, हम अपने स्वाभिमान के लिए भी लड़े। वो जो सारी लड़ाई थी वो स्व की लड़ाई थी, उसी में स्वदेशी, स्वराज और स्वधर्म, ये तीन बातों को फोकस करके, तीन बातों को केंद्र में रख करके पूरा समाज उस लड़ाई को लड़ा है। अब ये जितना सर्वव्यापी था तो आने वाला हमने उस पूरे संघर्ष को याद किया, उस नैरेटिव को बदलने का प्रयास किया। ये था ना कि कुछ मुट्ठी भर लोग लड़े और कुछ लोगों ने भारत को आजादी दिलवाई, उस नैरेटिव से तो वो भारत लेकर के आए, उसकी आवश्यकता भी थी। लेकिन आने वाले जो 25 वर्ष है जिसको अमृत काल हमने कहा, जब भारत की स्वाधीनता के 100 वर्ष हम मनाएंगे 2047 में, तो भारत को कैसा देखना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर है। हम सबकी इच्छा है कि भारत दुनिया का नेतृत्व करे, भारत फिर से वो विश्व गुरु के स्थान पर आरूढ़ हो, भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाए। तो वो कैसे होगा, तो ऐसे तो नहीं होगा, ये सबके प्रयत्नों से होने वाला है, कोई एक संगठन, एक संस्था, कोई सरकार, इसके करने से नहीं होगा, ये संपूर्ण समाज को उसके बारे में विचार करना। और अच्छी बात यह है कि आज समाज उस दिशा में सोच भी रहा है, उस दिशा में आगे चल भी पड़ रहा है। तो ये जो 25 वर्षों का जो हमारा जो कार्यकाल है, जो हमारा समय है 25 वर्ष, ये महत्वपूर्ण है भारत की दृष्टि से। आज हम विकास की दृष्टि से देखते हैं तो भारत आगे बढ़ रहा है, आज अगर हम आर्थिक दृष्टि से देखते हैं तो भारत दुनिया की जो 5 इकोनॉमी है उसके अंदर आगे पहुंच गया है, उस स्थान पर पहुंच गया। आज भारत की ओर देखने की दृष्टि लोगों की बदल गई है, भारत के नेतृत्व का धीरे धीरे पूरी दुनिया ये स्वीकार कर रही है। लेकिन केवल उतने से नहीं होगा, तो कुछ संकल्प कुछ बातों की ओर हमें, यानी समाज को जो है वो आगे बढ़ना पड़ेगा, और सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम उन बातों को समाज तक लेकर के जा सकते हैं। अगर 5 बातें भी हमने स्मरण में कर ली, 5 बातों का अगर हमने ध्यान में कर लिया, तो निश्चित रूप से भारत दुनिया का वो सर्वश्रेष्ठ देश बनने वाला है, कोई रोक नहीं सकता। तो पहली बात ये कही गई कि सामाजिक समरसता, हम सब एक हैं। यानी पहले एक हिंदू समाज के नाते हम एक तो हो जाए, ये जो आज जाति भाषा क्षेत्र राज्य शहरवासी गांववासी वनवासी ये सारे भेदभाव मिटेंगे, इस बात का हमें विचार करना पड़ेगा। हमारे संपर्क लोग जो संघ का परिचय बताया तो बता रहे थे कि संघ ने 3 बातों पर तो फोकस किया ही है, कोई ने सरसंघ चालक जी ने उसका आह्वान किया कि अगर सामाजिक समरसता को बढ़ाना है तो कम से कम 3 बातों पर तो भेद समाप्त होना चाहिए। दुर्भाग्य से आज कई क्षेत्रों के अंदर आज ऐसी स्थिति है जहां पर मंदिरों में सबको प्रवेश नहीं है, मंदिर में ऐसा भेदभाव क्यों होना चाहिए। पानी का कोई सोर्स है जो स्रोत जिसको हम पहले कहते थे, कुआं है चाहे बावली है, ये सबके लिए समान होनी चाहिए। शमशान भूमि, उसके बाद तो कुछ है नहीं ना, आत्मा तो एक ही है ना, केवल शरीर है, उसको भी वहां पर भी भेद है, जाति के आधार पर इसके आधार पर वहां भी अलग अलग शमशान घाट बने हुए, कम से कम वहां तो वो भेद समाप्त हो जाए।
सब जगह नहीं है, सब दूर नहीं है, लेकिन कहीं कहीं है, तो वो भी समाप्त होना चाहिए। संघ के स्वयंसेवक तो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो केवल उनके करने से नहीं होगा, समाज को साथ में आना। तो ये समरसता का भाव, ये संपूर्ण समाज में निर्माण होना, और उसके लिए जहां जहां अच्छे प्रयास हो रहे हैं उनको समाज तक पहुंचाना हो, ये भी आवश्यक है। दूसरी बात है स्वदेशी। तो स्वदेशी में केवल जैसे मैंने कहा कि वस्तु प्रयोग की बात नहीं आती है, तो उसमें हमारी स्वभाषा भी है, हमारी अपने भाषा के प्रति हमारा स्वाभिमान होना चाहिए, उसके प्रति गौरव अनुभव होना चाहिए। ठीक है, अंग्रेजी सीखना चाहिए, कोई गलत नहीं है, कोई भी भाषा, फ्रेंच सीखिए, जापानी सीखिए, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसके कारण से मुझे अंग्रेजी नहीं आती या मैं केवल अंग्रेजी बोलूंगा, अपनी भाषा के प्रति इतना स्वाभिमान ये समाज का होना चाहिए। अपनी वेशभूषा है, अपनी परंपरा है, संस्कृति है हमारी, उसके प्रति गौरव का भाव निर्माण कर। और स्वदेशी में केवल इतना ही नहीं है, तो सादगी, ये भी हमारे समाज की विशेषता रही, सादगी भी रहनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, बहुत कुछ है, तो इसका मतलब हम उसका दुरुपयोग करेंगे क्या उस धन का? सादगी के साथ रह सकते हैं, जितनी आवश्यकता है उतना उपभोग करेंगे, दूसरे को जिसकी आवश्यकता है उसको हम वो सुविधा प्रदान कर सकते हैं, उसको उपलब्ध करवा सकते हैं। अल्पव्यय, आज हम देखते हैं कि परंपरा के नाम पर नई नई परंपराएं शुरू हो रही, जिसके पास पैसा है वो नई ऐसा विशेष रूप करता है, वो आम समाज के लिए समस्या बन जाती है। अभी कल परसों ही मैं एक अखबार के अंदर पढ़ रहा था, एक आर्टिकल किसने लिखा छोड़ा, कहा जो हल्दी और मेहंदी की रस्म जो आजकल शादियों से प्री वेडिंग ये वो पता नहीं क्या क्या हो गया, बहुत सारी चीजें, वो जिनके पास साधन संपन्न है, जिनके पास सब कुछ है, उनके लिए तो वो ठीक है, लेकिन उस दबाव में, उस मानसिकता में हमारा बाकी समाज भी आता है, उसके लिए वो समस्या बन रही है। धीरे धीरे कहां से लाएंगे इतना पैसा? ये तो इवेंट ही है, इवेंट मैंने खड़े करना, उसके लिए फिर इवेंट मैनेजमेंट की जो पार्टी है वो तैयार हो जाती है, उनको तो पैसा कमाना है, वो सारी सुविधाएं देती है। तो स्वदेशी भाव मतलब ये सारी बातें, उसके अंदर जितनी आवश्यकता है उतना प्रयोग करना। एक गाड़ी की घर में आवश्यकता है तो तीन तीन गाड़ी रखने की आवश्यकता क्या है, क्यों रखना उसको? और चौथी बात, तीसरी बात है वो है पर्यावरण, पर्यावरण की सुरक्षा, उसमें पेड़ पानी ये सब तो आता ही है, इसके साथ साथ में स्वच्छता, उसके कारण से भी पर्यावरण सुरक्षित रहता हो। एक बड़ा अभियान अभी चल ही रहा है, लेकिन जागरूकता भी चाहिए उसके। एक बड़ा मजेदार किस्सा मैंने बंगाल के बारे में सुना, अभी तीन चार दिन पहले हमारे कोई वरिष्ठ अधिकारी तो बौद्धिक वर्ग में वो किस्सा सुना रहे थे। उनका 1982 में जो एशियाड खेल हुआ दिल्ली के अंदर, तो एक विदेश की एक खिलाड़ी वो भारत में है खेलने के लिए आई थी, तो उनका एक कोलकाता में एक परिवार परिचित था, यानी संपर्क आया होगा कभी, तो अच्छे संबंध थे, तो उन्होंने कहा कि अभी इतने दूर आई हूँ दिल्ली, तो जाकर के एक बार कोलकाता भी जाकर आना चाहिए, परिवार को मिलना चाहिए, संदेश भेजा, ऐसे ऐसे में आ गई। उनका मेरे आइए स्वागत है, बहुत बढ़िया है। वो तो तीन चार दिन के लिए उस परिवार के साथ वहां पर, तो जिस परिवार में आई तो उन्होंने एक दिन अपने सब मोहल्ले वालों को, प्रमुख लोगों को बुला लिया कि भाई आपका भी परिचय करवाते हैं, विदेश से एक युवती आई है, हमारी मेहमान है, तो आप लोग भी आइए चाय। तो ऐसे लोग बैठे थे, तो एक थोड़ा उत्साही व्यक्ति थे, उन्होंने पूछा उसको कि भाई आपको कैसा लगा कोलकाता में आकर के? तो शायद स्वाभाविक है कि जो भी बाहर से आता है वो कहता है मैंने सब अच्छा है, बहुत बढ़िया है, आपका जो आदर भाव है, जो सम्मान आपने दिया वो बहुत अच्छा है। फिर वो पीछे लग गया थोड़ा, उन्होंने कहा नहीं, फिर भी आपको कलकत्ता के बारे में कौन सी ऐसी बात लगती है जिसको हमें ध्यान देना चाहिए? फिर भी उसने कहा नहीं सब ठीक है। वो ज्यादा ही पीछे पड़ गए, तो उसने कहा कि एक बात मेरे को कलकत्ता के बारे में अच्छी नहीं लगी। उनका क्या? बोले यहाँ गंदगी बहुत है। अब ऐसा अगर किसी ने कह दिया तो आदमी सामने वाला तो तर्क देता ना, थोड़ा डिफेंस तो करता है ना, उसके कुछ ना कुछ कारण बताता है। नहीं देखो आप कलकत्ता की आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है, कैसे स्वच्छ रख सकते हैं, कैसे साफ रख सकते हैं हम इसको, इतनी बड़ी आबादी में तो बड़ा कठिन काम है। अब उस युवती ने जब उत्तर दिया
उसने कहा कि 1 करोड़ आबादी है, आपने ऐसा बताया, तो कलकत्ता को साफ रखने के लिए कितने करोड़ आबादी चाहिए? 1 करोड़ से काम नहीं होगा क्या? ये सोचने की दृष्टि है, सोचने का एक दिशा है। हमें लगता है कि ये सब काम तो म्युनिसिपैलिटी का है, बाकी लोगों का है, हम तो गंदगी करेंगे कहीं भी फैलाएंगे, तो ये काम नहीं। विषय बहुत छोटा है, लेकिन एक जो समझदार, जो दायित्ववान या एक जो नागरिक होना चाहिए उस देश का, उसके दायित्व क्या है, उसके कर्तव्य क्या है, इसका जब तक भान नहीं होता है, समाज उस प्रकार का नहीं बनता है, तो कोई भी समाज ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ समाज नहीं बन सकता, कोई भी राष्ट्र दुनिया का बड़ा राष्ट्र नहीं बन सकता। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो बड़ा बनाती। और चौथा बिंदु कुटुंब प्रबोधन, परिवार। परिवार हमारा जितना अच्छा रहेगा, जितना संस्कारित रहेगा, जितना यूनाइटेड रहेगा, उतना ही हम दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं। हमारे पास क्या था, ये जो ताकत है, जो मैंने कहा ना कि 1000 वर्षों तक इतने आघात होने के बाद भी हिंदू समाज की ताकत को या हिंदू समाज को नहीं मिटा सका, इस संस्कृति को या भारत को नहीं मिटा सके, उसके पीछे की हमारी ताकत क्या थी? यही कुटुंब व्यवस्था, वो परिवार व्यवस्था, जिसका अनुसरण आज दुनिया करना चाहती है, कि भारत की ताकत उस परिवार में है, लेकिन आज दुर्भाग्य से वो परिवार भी छोटे होते जा रहे हैं। जितने हैं वो भी अगर ठीक से रहे, संस्कारित रहे, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको भारतीय संस्कृति, हमारी परंपराएं, रीति रिवाज, ये ठीक से अगर ट्रांसफर करते हैं, तो उसके आधार पर ही हम अपनी जो ताकत है उसको टिकाए रख सकते हैं। इसलिए उस कुटुंब व्यवस्था को पक्का रखना, और उसके बारे में जो अच्छी बातें हैं वो समाज तक पहुंचाना। और पांचवी बात है, वो है नागरिक बोध, नागरिक कर्तव्य। हम भारत के नागरिक है तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? जिसको नागरिक अनुशासन भी हम कह सकते हैं, कि प्रत्येक व्यक्ति अगर अनुशासन में रहता है तभी देश जो है वो बड़ा है। आज भारत का कोई व्यक्ति अमेरिका में जाएगा, जापान में जाएगा, इंग्लैंड में जाएगा, तो वहां के हर नियम कायदे कानून का वो पालन करता है। उसको पता है कि अगर मैंने गलत जगह पर पार्किंग कर दी गाड़ी की तो मुझे अच्छा खासा जुर्माना होगा या सजा होगी। अगर मैंने लाल बत्ती पार कर दी तो मुझे वो जुर्माना चुकाना ही पड़ेगा, कोई सिफारिश नहीं है, मैं किसी पॉलिटिशियन को फोन कर दूंगा, कोई मेरा रिश्तेदार या मेरा कोई अच्छा मित्र जो है पुलिस में है तो मैं उसको फोन करवा करके उससे छूट ले लूंगा। वहां कोई सुनता नहीं है, कोई प्रशासन उसमें इंटरफेरेंस नहीं करता है, कोई नेता उसमें हस्तक्षेप करते हैं। उस डर के कारण से वहां सब लोग अनुशासन का पालन नहीं करते, लेकिन वो डर से ही करना है क्या? ये हमारे स्वभाव में, हमारे आदत में जब तक नहीं आएगा तब तक हम किसी भी नियम का पालन, सरकार कितने कानून बना ले, कितने बिल पास कर ले, कुछ नहीं होने वाला है। अगर समाज उसका पालन नहीं करता है तो नियम कानून सब तरह के तरह रह जाते। आज मैं सुबह एक प्रसंग सुना रहा था कि भाई हम गाड़ी में जाते हैं और हाई स्पीड में जाते हैं, सड़कें बहुत अच्छी है, तो बैलेट किस लिए पहनते हैं? पेटी जो पहनते हैं आगे ड्राइवर लोग, उसके इसलिए पहनते हैं ताकि कोई चलान ना हो, पुलिस वाला में देख ले, फाइन ना हो, वो आपकी सुरक्षा के लिए है, ये ध्यान में नहीं आता। जब पता है कि आप 50 किलोमीटर तक कोई पुलिस नहीं मिलने वाली है तो बैलेट खोल करके किनारे बैठो। हमारे नौजवान युवा बहुत सारे बैठे हुए हैं, बाइक चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, हेलमेट क्यों पहनते हैं? अगर पुलिस वाला का डर है ना, तब वो सिर पे हेलमेट फंसा करके, बाकी तो वो उसमें या तो यहाँ हाथ में रहता है या फिर उसमें लटका रहता है। किस लिए? ये छोटी छोटी बातें जो एक नागरिक के नाते हमें जो बोध होना चाहिए और जो हमारे जीवन में आना चाहिए, इसका पालन नहीं करेंगे तो समाज आगे नहीं बढ़ता। आने वाले 25 वर्षों में अगर ये 5 बातों की ओर भी हमारे समाज ने या हिंदू समाज ने, हम सब ने अगर ध्यान दिया, निश्चित रूप से भारत दुनिया का एक सर्वश्रेष्ठ देश बनेगा, वो दुनिया का नेतृत्व करने वाला देश बनेगा। लेकिन ये हम सबको कुछ बातें ठीक करनी पड़ेगी, पहले अपने जीवन में लाना, फिर अपने परिवार के जीवन में, फिर अपने गली मोहल्ले के अंदर जहां रहते हैं उस समाज के बीच में इन बातों को लेकर के जाना। और हम सोशल मीडिया वॉरियर हैं,
सोशल मीडिया में सक्रिय है तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी इन अच्छी बातों को समाज तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए सोशल मीडिया का एक राष्ट्र हित में समाज हित में कैसे अच्छा उपयोग कर सकते हैं इसका विचार हम सबने करना है। वो समाज के अंदर कोई विद्वेष पैदा करने के लिए संघर्ष निर्माण करने के लिए हम सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेंगे ऐसा एक संकल्प लेकर के हम यहां से जाएं। सोशल मीडिया का उपयोग देश हित समाज हित के अंदर ही हम करेंगे ऐसा संकल्प लेकर के और इन अच्छी बातों को समाज तक हम पहुंचाएंगे तो हम सोशल मीडिया का सार्थक उपयोग कर रहे ऐसा मानना चाहिए। और कितना करना है इसका भी आप लोग विचार करिए। दिन में 1 घंटा करना कि 2 घंटा करना। और एक बात आखिर में बताता हूं कि सोशल मीडिया के कारण से सारी दुनिया चल रही है देश चल रहा है और समाज चल रहा है ऐसा गलत फहमी मत मानिए। सोशल मीडिया ही सब कुछ चला रहा है। भारत के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी बहुत सारी और ताकतें हैं जो पॉजिटिव ताकतें हैं वो देश दुनिया को समाजों को चला रही है। इसलिए इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि हम सब कुछ चला रहे हैं। एक प्रसंग ऐसा सुना मैंने एक घोड़ा गाड़ी रहती है ना इसमें घोड़े रहते हैं तो रथ को खींचता है तो एक स्थान पर एक कुत्ता जो है वो उसके आगे आगे चलना शुरू हो गया घोड़े के आगे। थोड़ी देर के बाद उसको लगने लगा कि रथ को मैं ही खींच रहा हूं तो वो जो उसका घोड़ा गाड़ी का जो मालिक था उसको ध्यान में आ गया कि इसको कुछ अहंकार हो गया कि मैं ही चला रहा हूँ उस रथ को घोड़े नहीं चला रहे हैं तो घोड़े के लिए तो रहता ना वो स्टिक रखी होती है तो एक उसको मारा उसने चौंक से कुत्ते को तो फिर वो चौंक 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 करता वाले भाग गया। तब उसके ध्यान में आ गया कि नहीं मैं नहीं हूं तो घोड़े चला रहे हैं इस रथ को तो दुनिया को हम चला रहे हैं ऐसा मत मानिए। और भी बहुत सारे अच्छे कारणों से दुनिया चल रही हाँ लेकिन हम जहां पर है जिस विषय का उपयोग कर रहे हैं उसको कैसे अच्छे से उपयोग करना इसका विचार हम अवश्य करें। उसमें हमारा जो अपना सकारात्मक जो सहयोग है सकारात्मक जो बातें हैं उनको समाज के सामने लेकर के आने के लिए हम उसका प्रयोग करें। इतना निवेदन करके मैं अपनी वाणी में विराम देता हूं। धन्यवाद।